अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अ क्विक अपडेट ऑन दिस ऑयल। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, हॉल वीडियो, जिसमें मैंने ये आपको ऑयल दिखाया था। इट वाज अराउंड 325 रुपीज़ और समथिंग, आई डोंट नो, आप चेक कर लीजिएगा, मगर 300 रुपये से ज़्यादा ही है। तो इस तरह की इसकी बॉटल होती है, तो इसको मैंने यूज़ किया है। तो मैं आपको सोच रही थी कि मैं अपडेट कर दूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है। केशिया नाम है इसका, रोगने मोरिंगा इसको कहते हैं। बॉटल इसकी जो है, इसके अंदर ऑयल कम है, जितने पैसे लिए हैं उन्होंने इस लिहाज से ऑयल कम है। इसको मैंने दो बार यूज़ किया और अब इसमें इतना ऑयल बचा है कि बस तीसरी बार इस्तेमाल हो सकता है। इसकी ये जो बॉटल है थोड़ी बहुत लीक करती है यहाँ से, बिल्कुल मतलब जैसे आप इसको बंद करते हैं तो थोड़ा सा ऑयल इधर ड्रिप करता है, मगर ये एप्लीकेशन इसकी अच्छी है। वैसे जैसे इससे आप ऑयल लगाएं तो बहुत अच्छे तरीके से रूट्स में इसकी ऑयल जाता है, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, मगर फिर भी इस फ्लॉ ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे लीक होता है ऑयल। खुशबू जो है इसकी बहुत तेज़, इसके अंदर से कड़ी पत्ते की खुशबू ज़्यादा आती है। कड़ी पत्ता जो होता है वो तो हम जैसे घर में भी कड़ी पत्ते का ऑयल बना सकते हैं, वो फ्राई करके, वैसी वैसी खुशबू है इसकी। कलर इसका रेड है और ऐसा है जैसे इंडिया का एक जो ऑयल आता है नवरत्न तेल, रेड कलर का, वैसा ये रेड कलर का ऑयल है। मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा बालों में, बिल्कुल भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट जो पैराशूट का नारियल का तेल है, पैराशूट का, उसके अंदर आप नीम के पत्ते डाल के पका के उसको फ़िल्टर करके फिर अपने बालों में लगाएं तो आपके बाल बहुत सिल्की, स्मूथ, फ्रिज फ्री हो जाते हैं, फ़र्स्ट एप्लीकेशन में हो जाते हैं। इसको मैंने ओवरनाइट भी रखा, इसका मुझे बालों में कोई ख़ास इसका कोई असर नहीं था, ना बाल सॉफ्ट हुए, ना बालों को इसने कंडीशन किया। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं है। इतने पैसों में आप कोकोनट ऑयल ख़रीद लें पैराशूट का, आई थिंक ये एक वो होता है ना कि वो बैंड वैगन पे चढ़ जाना, कोई चीज़ आती है तो सारे लोग उसको फिर वाह 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 करना शुरू कर देते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस लें, अपना टाइम लें थोड़ा, और उसके बाद जो है आप बताएं कि आई डोंट थिंक ये हर एक को सूट करेगा। मुझे इससे कड़ी पत्ते की स्मेल आ रही थी सारी। और एक और चीज़, इसको बालों से निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने बायो आमला जैसे सख्त हार्डकोर शैम्पू से 3 बार अपने बालों को वॉश किए, फिर भी मेरे बाल जो हैं चिप 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 कर रहे थे। रूट्स तो साफ़ हो गई थी, स्कैल्प साफ़ हो गया था, मगर बाकी बाल जो है ना चिप चिप कर रहे थे, जैसे तेल उसमें अभी भी लगा हुआ है। तो इसको निकालना ज़रा मुश्किल है बालों से, ऐसा लग रहा है जैसे मिनरल ऑयल नहीं होता जो बहुत सारे ऑयल्स में मिनरल ऑयल डालते हैं, और मिनरल ऑयल स्पेशली जो जिन ऑयल्स में मिनरल ऑयल होता है वो ज़्यादातर उसको ऐसा रिफ़ाइन करते हैं कि वो लाइट वेट लगता है, तो ये बालों में बड़ा लाइट वेट लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे मिनरल ऑयल है। अब आई डोंट नो, हो सकता है उन्होंने खालिस चीज़ें डाली हों, मगर इसका इफ़ेक्ट वैसा है क्योंकि बालों से निकल नहीं रहा था जिस तरह बालों को आप कोकोनट ऑयल भी 2 बार शैम्पू करने से निकल जाता है, तो ये पता नहीं क्या है, ये नहीं निकल रहा था। इसको मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं ख़रीदूँगी, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं अच्छा रहा। दिस इज़ अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं इसकी, और सारे आई थिंक पैकेजिंग की प्राइस और कॉस्ट ले रहे हैं इसमें से। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपका एक्सपीरियंस इसके साथ अगर अच्छा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मगर पर्सनली आई डिड नॉट लाइक दिस।